हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास 6 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछली कुछ क्लासेस में हमने लगातार कोरल ड्रॉ के बेसिक्स को समझा, दोस्तों हमारे इस सीरीज में हम बाकी सॉफ्टवेयर को भी लेके चलने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम फोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे, फोटोशॉप का बेसिक समझेंगे, जो कि हमें आगे चलकर कोरल ड्रॉ में इमेजेस को इम्पोर्ट करने के बाद और कोरल ड्रॉ में काम करने में काफ़ी हेल्प देगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको रिसेंटली बताया था, हमारी इस सीरीज में हम कोरल ड्रॉ, एडोबी आफ्टर इफेक्ट, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी इन डिज़ाइन, इन सभी सॉफ्टवेयर को साथ लेके चलने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम फोटोशॉप को भी इंक्लूड करेंगे। फोटोशॉप के बेसिक समझते हुए हम इस सीरीज में आगे कंटिन्यू करेंगे और दोस्तों इन सभी सॉफ्टवेयर को साथ लेकर चलते हुए हम इस ग्राफिक डिजाइनिंग सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले फोटोशॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं 1000 × 1000 साइज ले लेता हूँ, क्रिएट, और इसको हम लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें हमारे ये बेसिक टूल रहेंगे और ये हमारा लेयर्स चैनल एंड पाथ, ये लेयर्स हमें शो होंगी। इस टैब को हम यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं या इसको क्लोज टैब ग्रुप भी कर सकते हैं। ये हमने टैब क्लोज कर दिए। मेनली हमारा ये इस टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनमें मैं आपको आज इन पहले 6 टूल्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि मूव टूल, और अगर हम इस पर कंटिन्यूस प्रेस करेंगे तो हमें एक और ऑप्शन मिलेगा, आर्ट बोर्ड टूल, इसके बारे में बताऊंगा। इसी तरह से इन फर्स्ट 6 टूल में जो भी हमें बाकी ऑप्शंस मिलेंगे इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। दोस्तों लेयर्स को वापस लाने के लिए हम F7 की प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा लेयर बॉक्स वापस आ जाएगा। इसको हम मिनिमाइज रख सकते हैं या हम इसको यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मूव टूल। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज़ करेंगे। इसमें ऑप्शन हमारा आर्ट बोर्ड टूल का है। दोस्तों आर्ट बोर्ड टूल के लिए मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। इसमें आप देखेंगे आर्ट बोर्ड टूल, हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और हमारी स्क्रीन को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर इमेज को सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे प्लस के। इसमें आप जिस साइड भी इसका सेम कॉपी करना चाहें, आप प्लस पर क्लिक करेंगे, आप इसका एक कॉपी बना सकते हैं। सेम कॉपी को आप मर्ज भी कर सकते हैं और इसमें कुछ डिस्टेंस देना चाहें तो डिस्टेंस भी दे सकते हैं। इसको हम प्रेजेंटेशन स्लाइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और जिस भी तरह से आप इसको यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसके जितने भी आर्टबोर्ड इसमें ऐड करना चाहें, राइट टू लेफ्ट या जैसे भी। अगर इसको मैं जूम करके फिट टू स्क्रीन करता हूँ तो कुछ इस तरह से हम आर्टबोर्ड जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इन सभी की हमें अभी जरूरत नहीं है, मैं इनको अंडू कर देता हूँ और जूम को फिट टू स्क्रीन। ये हमारी स्क्रीन रहेगी जो हमने फर्स्ट इमेज ली थी 1000 × 1000 साइज की। तो इस तरह से हम आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है सिलेक्शन में रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। मेनली इनमें रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल ज़्यादातर यूज़ होगा, इनकी ज़रूरत हमें कम पड़ेगी। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड की थी, इनको हम सबसे पहले इस लैपटॉप इमेज को फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारे एक लैपटॉप की फ़ोटो है। अब अगर इसको मैं इसकी स्क्रीन को चेंज करना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह की कोई भी इमेज, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, तो मुझे इसमें रेक्टेंगल सेलेक्शन टूल लेना पड़ेगा। इसको मैं जूम कर लेता हूँ जिससे कि मुझे इसमें क्लियर रहे। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर मुझे इसको सेलेक्ट करना है, सिर्फ स्क्रीन एरिया को। इस एरिया को अब मैं इसको हम यहाँ से लेयर बना लेंगे। अगर मैं इसको मूव करके हमारी दूसरी इमेज में ले जाता हूँ तो हम सेम इमेज को दूसरी इमेज में भी ले जा सकते हैं और ये इसमें प्रोपोर्शन इसका एज इट इज़ रहेगा। अगर मैं इसको फ्री ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म करता हूँ कंट्रोल टी प्रेस करके, हम इसको लॉक कर देते हैं, तो इसी प्रोपोर्शन में हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और हमारी सेम इमेज में अगर मैं इसको यहाँ पर डिलीट प्रेस करता हूँ तो
तो ये हमारी इमेज डिलीट हो जाएगी। इसको मैं जूम या इतना ही हम इसको अभी रख सकते हैं। अब दोस्तों इस तरह से हमने सेलेक्शन किया रेक्टेंगुलर एरिया का। एक दूसरी इमेज ओपन करते हैं। अब इसमें अगर राउंड सरफेस को हमें सेलेक्ट करना है तो हम इसमें से इलिप्टिकल मार्क टूल यूज़ करेंगे। क्लिक करेंगे, एक अप्रोक्सीमेटली एक सर्कल बनाएंगे जिसको कि हमें इसमें से कट करना है। इसको हम लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ मैं एक बार डिलीट प्रेस करता हूँ, बीच का एरिया डिलीट हो गया। सिर्फ अप एंड डाउन की से हम इसी को एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी एरिया को भी जो बचा है उसको डिलीट करने के लिए। तो यहाँ मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ इस साइड से भी डिलीट। तो इस तरह से दोस्तों मैंने बीच का सरफेस जो कि राउंड था उसको कट कर लिया है। अब अगर मुझे इस जगह कोई और इमेज पेस्ट करनी है, हम एक और दूसरी इमेज ओपन करते हैं। दूसरी इमेज ओपन करेंगे दोस्तों, हम कोई भी इमेज पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इस इमेज में से एक राउंड कट कर लेता हूँ जितना भी साइज का अप्रोक्सीमेट, मैं इसको मूव करता हूँ तो ये हम दूसरी इमेज में ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ हम इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, लॉक्ड रखेंगे और इसको कोशिश करेंगे सेट करने की। अप एंड डाउन की से भी हम इसको सेट कर सकते हैं, स्केल कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका कुछ इस तरह से, और एंटर। तो दोस्तों ये दोनों टूल्स आपने देखा सेलेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल। इसी तरह से सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल भी यूज़ होगा, वो हम आपको बाद में किसी स्लाइड में या किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करके दिखाएंगे। इसको हम इस इमेज को अगर डार्कन या लाइटन करते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे इसका साइड्स थोड़ी सी एडजस्ट हो जाएंगे। इस तरह से हम इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं लासो टूल की। इसमें लैसो टूल, पॉलीगनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल, ये तीन तरह के टूल्स हमें मिलते हैं। हम एक नई इमेज ओपन कर लेंगे। दोस्तों अब हम इसमें अगर फर्स्ट लैसो टूल सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम एज पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं। माउस को हम क्लिक करके जितना भी एरिया सेलेक्ट करेंगे वो एरिया हमें सेलेक्शन में मिल जाएगा। इसको अब हम कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ये फ्री हैंड हम सेलेक्शन के लिए लैसो टूल यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉलीगनल लैसो टूल। इसमें सिंपली हम सेलेक्शन के लिए लाइन यूज़ कर सकते हैं और इस लाइन को अगर मैं शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस किए हुए इसको वर्टिकली 90 डिग्री, 45 या इस तरह से भी किसी एंगल पर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ शिफ्ट के साथ, और बिना शिफ्ट के फ्री हैंड इसको ले सकता हूँ। अब मैं इसको 90 डिग्री, 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री और लास्ट में हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये भी लैसो टूल से हम सेलेक्शन करेंगे। अब हमारा मैग्नेटिक लैसो टूल होगा। दोस्तों मैग्नेटिक लैसो टूल में इसमें हम पिक्सल सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए इस येलो ऑब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं इस पर जूम करता हूँ, और अगर हम यहाँ मैग्नेटिक लैसो टूल लेंगे, इसके एक कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ माउस को ले जाएंगे, जहाँ जहाँ हम थोड़ा सा दूरी पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर ये ऑटोमेटिकली, आप देखेंगे ये डॉट्स जो लग रहे हैं ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक टूल है, मैग्नेट की तरह इसको कैच कर रहा है। तो इस तरह से सेलेक्शन के लिए हम मैग्नेटिक टूल भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हमें इसको लास्ट में बंद करना है वहाँ हम इसको डबल क्लिक कर सकते हैं तो ये भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होगा। इस फाइल को मैं जूम कर लेता हूँ, फिट टू स्क्रीन और जूम आउट। तो दोस्तों ये तीन हमारे टूल लैसो टूल्स के रहेंगे सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैंड टूल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में अगर हम सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, अगर मुझे इस ट्री को सेलेक्ट करना है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ इस ग्रीन पार्ट को मुझे सेलेक्ट करना है तो पर्टिकुलर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट टूल, और इस पर एक रेक्टेंगल सिर्फ इस एरिया पर क्लिक करूँगा। दोस्तों ये देखिए ये एरिया सेलेक्ट हो गया। सेम चीज़ अगर मैं इस येलो पार्ट के लिए करता हूँ
ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल, और तो ये इस तरह से सेलेक्ट हो गए। ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्विक सेलेक्शन। दोस्तों अगर क्विक सेलेक्शन टूल हम करते हैं, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। क्विक सेलेक्शन के बाद अगर मैं इस ऑरेंज पार्ट पर एक सिंगल क्लिक करूँगा, क्विक सेलेक्शन टूल क्लिक, तो ये इतना एरिया ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। अगर मुझे इस बाकी हिस्से को भी सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए आगे की तरफ क्लिक करूँगा, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अगेन माउस का क्लिक किए हुए और इसको मैं माउस को आगे बढ़ाऊँगा तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता जाएगा। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, तो ये भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होगा। इस तरह से हम कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिंगल क्लिक से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा मैजिक वैन टूल है। मैजिक वैन टूल के लिए आपको मैं एक नई इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने एक वीडियो में इस प्लान को रेंडर किया था, तो इसमें हम मैजिक वैन टूल यूज़ करेंगे। मेनली हम इसको लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे और सेलेक्शन के लिए मैजिक वैन टूल लेंगे सिंगल क्लिक। ये वॉल का एरिया जो भी एक पैक्ड एरिया है वो सेलेक्ट हो गया। इस तरह से अगेन शिफ्ट के साथ हम पूरी वॉल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम इसको फिलिंग भी कर सकते हैं, तो ये भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होगा। फिलहाल मैं इस इमेज को क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों ये हमारे सिलेक्शन के टूल थे और मूव टूल आपने देखा। मूव से हम सिंपली मूव भी कर सकते हैं, और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके मूव करता हूँ तो इसकी कॉपी हो जाती है। तो मूव टूल से मूव और कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्शन के लिए बाकी ये सब टूल हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्रॉप टूल और परस्पेक्टिव क्रॉप टूल, ये दो टूल रहेंगे। स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल ये वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं। इनको मैं आपको किसी प्रोजेक्ट पर यूज़ करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम क्रॉप टूल और परस्पेक्टिव क्रॉप टूल के बारे में बात करेंगे। इस इमेज को भी हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं। अब हम एक नई इमेज ओपन करेंगे। दोस्तों इसमें आप जो एलईडी स्क्रीन पर जो सीन देख रहे हैं, ये हमें रेक्टेंगल में हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मुझे इसको किसी दूसरी इमेज में लेकर जाना है फ्लैट सरफेस पर, इस तरह से ही बात नहीं बनेगी। हम यहाँ से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लेंगे, इसको हम जूम कर लेंगे। अब हम यहाँ से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लेंगे, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, इसका एक कॉर्नर, देन दूसरा कॉर्नर, देन लास्ट कॉर्नर, और हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारी स्क्रीन फ्लैट सरफेस में हमें शो हो रही है। अब हम इसको नॉर्मल क्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि इसमें ऑड लग रहा है वो हट जाएगा। एंटर। दोस्तों इसमें स्क्रीन क्लियर हो गई है। अब हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं क्विक सेलेक्शन टूल से या किसी भी टूल से, जैसा आपको ठीक लगे। कंट्रोल ए से भी हम इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको मूव करेंगे और हमारा जो फर्स्ट इमेज जिसमें कि हमने एक लैपटॉप स्क्रीन ली थी, यहाँ पेस्ट करेंगे। इसको हम कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म के लिए सेलेक्ट करेंगे। ये अभी लॉक्ड है दोस्तों, ये इस प्रोपोर्शन में स्क्रीन पर सेट नहीं होगा, हमें लॉक ओपन करना पड़ेगा। इसको हम एक कॉर्नर पर सेलेक्ट करेंगे और एंड टू एंड इसको प्लेस करेंगे। इस तरह से ये हमारी स्क्रीन पर पेस्ट हो गए। अगर हम इसको ओवरले कर देते हैं तो ये थोड़ा सा और इसमें प्रॉपरली सेट होगा, जिससे ये लैपटॉप की स्क्रीन लगेगी। अब इसको हम जूम आउट करते हैं इस तरह से। तो दोस्तों किसी भी एक सरफेस से हमने इसको, मैं वापस अंडू करता हूँ, ये हमारा ऑफिस का रेंडर सीन था। जूम आउट, फिर टू स्क्रीन। दोस्तों ये हमारा पर्सपेक्टिव में हमने यहाँ से क्रॉप किया और इसको हमने फ्रंट व्यू में यहाँ पेस्ट किया। इस तरह से आप क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा फ्रेम टूल है। इसके लिए हम अपने ब्लैंक स्क्रीन पर आएंगे। अब अगर हम इसमें एक फ्रेम एरिया मेंशन करते हैं और यहाँ हम एक नई इमेज ड्रैग करते हैं, देखिए इसमें फ्रेम के अंदर ही वो इमेज शो होगी, फ्रेम से बाहर शो नहीं होगी। तो हम इस तरह से इस इमेज को प्लेस कर सकते हैं।
और यहाँ हम एक नया फ्रेम भी बना सकते हैं। अब इस फ्रेम में हम दूसरी इमेज पेस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको अगर हम जूम करना चाहें तो यहाँ हम इस इमेज पर जाकर और इसका कंट्रोल टी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल ए देन कंट्रोल टी, इसका स्केल बड़ा कर सकते हैं। इसको हम फ्री ट्रांसफॉर्म में या जैसे भी करना चाहें, और अगर मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, आप इसमें देखेंगे ये इमेज हमारी बड़ी हो गई। इसको हम अब सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक और मूव टूल के साथ, इसको हम डबल क्लिक करके मूव भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें अलग अलग फ्रेम्स बनाकर, अब मान लीजिए मुझे इसकी नोटिफिकेशन, मैंने इसका कुछ इस पार्ट की मैंने कुछ नोटिस या नोट डाउन किया और इसका हमने इधर नोट किया, तो इस तरह से हम अलग अलग फ्रेम हम बना सकते हैं। या कोई हम बबल डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। मान लीजिए एक फ्रेम हमने सेंटर में सेलेक्ट किया, इस पर एक इमेज पेस्ट की, ये इस तरह से फ्रेम के अंदर हो जाएगी। अब इसके सराउंडिंग में हम अलग अलग फ्रेम्स बनाकर और उसमें अलग अलग इमेजेस पेस्ट कर सकते हैं। देन अगला फ्रेम, देन अगली इमेज, इस तरह से। तो दोस्तों इसमें हम बबल डायग्राम वगैरह सब बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों फ्रेम टूल के लिए अगर हम यहाँ शेप्स में से रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगनल टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल, ये टूल्स मिलते हैं। अब इसमें अगर मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ रेक्टेंगल मार्क करता हूँ, दोस्तों हम इसको फील्ड भी दिखा सकते हैं यहाँ हम इस ऑप्शन से, यहाँ जो इसको हम ब्लैंक भी दिखा सकते हैं। स्ट्रोक को हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से। इसमें देखिए ये अभी डॉटेड लाइन में शो हो रहा है, यहाँ लाइन डॉटेड सेलेक्टेड है, इसको हम प्लेन करते हैं। तो ये तो हम नॉर्मल रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ और इसको क्लोज करते हैं, इसी रेक्टेंगल पर हम राइट क्लिक करके अगर इसको कन्वर्ट टू फ्रेम करते हैं तो ये भी फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रेक्टेंगल था, इस तरह से हमने फ्रेम ऑलरेडी बना लिए हैं। हम यहाँ से एक दूसरी शेप लेंगे, पॉलीगनल शेप लेंगे, और इस पर अगर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू फ्रेम करते हैं, इसका नाम दे सकते हैं और ओके। दोस्तों ये भी फ्रेम बन गया। अगर इस पर अब मैं इमेज पेस्ट करता हूँ तो ये इमेज हमें पॉलीगनल शेप में ही शो होगा। इस तरह से हम इमेज को यहाँ पर दिखा सकते हैं और देन हम अपना इसको भी मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हम कोई भी शेप लेकर उस शेप को हम ड्रॉ करेंगे और उस शेप का हम यहाँ से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू फ्रेम भी कर सकते हैं और इसमें हम दूसरी इमेज पेस्ट कर सकते हैं। अगर इस ऑफिस इमेज को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये इस तरह से हमें शो होगा। तो दोस्तों ये हमारे बेसिक टूल्स थे जिसमें आपने मूव टूल, आर्टबोर्ड टूल, रेक्टेंगुलर मार्की, एलिप्टिकल मार्की, लेसर टूल्स के सभी ऑप्शन और सेलेक्शन के ये तीन ऑप्शन, ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल, क्विक सेलेक्शन टूल, मैजिक बैंड टूल, साथ में क्रॉप और प्रस्पेक्टिव क्रॉप और फ्रेम टूल। दोस्तों इन सब टूल्स को हमने आज डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम इन सभी टूल्स को यूज़ करते हुए एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन शीट बनाएंगे, उसके बाद हम इसी तरह से बाकी टूल्स की तरफ बढ़ेंगे और बाकी टूल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।